So not the result I wanted and come out here to Pittsburgh for. We placed second place to Corey Morris. Didn't pop at all in pre-judging. Not something I wanted to highlight yesterday, but yeah, it just, I didn't feel myself. ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है सीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो गाइस, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से इस बारी बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ रही है और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। एंड फ्रेंड्स, आप लोग बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वहां पर भी अपडेट्स और पॉडकास्ट आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट और सबसे पहली अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। और मेरे को दोस्तों बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रतीक तालुकदार हमारे एक इंडियन एथलीट है, जो कि बाहर अभी मसल कॉन्टेस्ट आयरलैंड खेलने के लिए गए थे एंड उन्होंने दोस्तों जीत लिया है IFBB प्रो कार्ड। और अभी जस्ट लास्ट ईयर की बात है कि इन्होंने शेरू क्लासिक इटली में कम्पीट करा था, वहां पर इनकी फिफ्थ प्लेसिंग आई थी। और प्लेसिंग की भी बात अगर मैं साइड पे रख के अगर मैं इनकी फिजिक के बारे में बात करूं, तो रियली गाइस, जो इंप्रूवमेंट्स जो इस साल ये लेकर आए थे, खासकर अगर आप लोग इनके ओवरऑल फिजिक के बारे में बात करो, अगर आप लोग इनकी अपर बॉडी देखोगे, वहां पर जो डेल्टॉइड्स में इन्होंने मसल टिश्यू ऐड करा था, उसके बाद आप लोग खुद ही डिफरेंस देख सकते हो। जो फिजिक में लास्ट ईयर का जो इनका पैकेज था, जो इस साल का पैकेज था, ह्यूज लग रहे थे। कंडीशनिंग वॉज ऑन पॉइंट, ड्राई फिजिक थी, और आप लोग कह सकते हो भाई कि ये तो विनिंग फॉर्मूला है। और ऑलमोस्ट एकदम डिफरेंट बॉडी बिल्डर की तरह ये नजर आ रहे थे। फाइनल राउंड के बारे में बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस के बीच में जो है इन दोनों एथलीट्स के बीच में मुकाबला हो रहा था एंड फाइनली भाई प्रो कार्ड इन्होंने हासिल कर लिया है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रतीक तालुकदार एंड डेफिनेटली दोस्तों इंडिया के लिए इन्होंने नाम रोशन करा एंड डेफिनेटली इनके होम स्टेट असम के लिए भी। कांग्रेचुलेशंस टू प्रतीक तालुकदार वंस अगेन। सीधा दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं पिट्सबर्ग प्रो के बारे में, और हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं पिट्सबर्ग प्रो के मेंस फिजिक डिवीजन के। और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बिकॉज बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स ने कंपीट करा था, जैसे कि रायन टेरी हो गए, कोरी मॉरिस हो गए, और हाँ, बिलाल अली ने भी कंपीट करा था। तो आप लोग रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं रिजल्ट्स लेकर आ चुका हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दो दिन के लिए जो है इन्होंने प्री जजिंग और फाइनल्स को अलग अलग दिन पर कंडक्ट करवाया, क्योंकि प्रो शोज यूजुअली एक दिन के अंदर हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगी। पहले दोस्तों हम लोग रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं एंड कोरी मॉरिस जीत चुके हैं एंड लगातार उन्होंने अपना तीसरा प्रो शो जीत लिया है इस साल। पता नहीं तीसरा या फिर चौथा प्रो शो इन्होंने जीता इस साल एंड पता नहीं क्या कर रहे हैं कोरी मॉरिस, मतलब भाई रिपीटेड विन्स ये लेकर आए हैं, रिपीटेड विक्ट्रीज ये लेकर आए हैं। एंड प्री जजिंग के वक्त ही पता लग गया था, जब इन्होंने फाइनल कॉल आउट के अंदर प्री जजिंग के अंदर कोरी मॉरिस और रायन टेरी का मुकाबला हो रहा था 1-on-1, और वहीं पर ही पता चल गया था कि जो कोरी मॉरिस है वो कितने ज्यादा बढ़िया नजर आ रहे थे। कोरी मॉरिस अपनी सिग्नेचर शेप में आए थे, वहीं पर अगर मैं रायन टेरी के बारे में बात करूं तो वो भी अच्छी शेप के अंदर नजर आ रहे थे, लेकिन कंपैरिजन राउंड्स के अंदर अगर आप लोग फ्रंट साइड से देखोगे तो आप लोग कहोगे कि भाई ये तो क्लोज नजर आ रहा है, मतलब क्लोज का मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बैक साइड से बात करूं तो वहां पर कोरी मॉरिस बाय लैंडस्लाइड बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब इट वॉज नॉट इवन क्लोज। विथ के बारे में बात करूं, डिटेलिंग के बारे में बात करूं, वहां से कोरी मॉरिस बहुत ज्यादा आगे लग रहे थे रायन टेरी से, इट वॉज नॉट इवन क्लोज। बाकी मैं प्लेसिंग्स के बारे में बात करूं तो फर्स्ट प्लेसिंग पे कोरी मॉरिस आए थे, सेकंड प्लेसिंग पर आते हैं रायन टेरी, थर्ड पर आते हैं बेनक्विल मार्जनी, फोर्थ प्लेसिंग पर आते हैं सिडी पोए, आई होप कि मैं इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और फिफ्थ प्लेसिंग पर आते हैं बिलाल अली। तो भाई ये काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिले थे, खासकर अगर मैं बेनक्विल के बारे में बात करूँ, जो कि थर्ड प्लेसिंग लेकर आए थे, वो कमाल का उन्होंने प्रदर्शन करा था, मतलब भाई थर्ड प्लेसिंग लेकर आ गए और बिलाल अली को हरा दिया उन्होंने भाई, और बहुत ही अच्छी ये फिजिक लेकर आए थे। वहीं पर अगर मैं सिडी पोए के बारे में बात करूं, जो कि हमारे स्पेन के बॉडी बिल्डर है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया फिजिक लेकर आए थे, खासकर मेरे को पीक इनकी फिजिक पे बहुत अच्छी लग रही थी, जो हार्डनेस लेकर आए थे और इनकी जो मसल बेलीज काफी फुल नजर आ रही थी और ओवरऑल पैकेज काफी कंडीशन नजर आ रहा था। तो काफी सरप्राइजिंग बॉडी बिल्डर मेरे को लगे, जो कि काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे थे शो के अंदर, और फोर्थ प्लेसिंग ये लेकर आ गए थे। फिफ्थ प्लेसिंग के बारे में बात करूं तो बिलाल अली फिफ्थ प्लेसिंग पर आए हैं, और काफी सारे लोग कह रहे थे कि ये उनके फेवरेट बॉडी बिल्डर होने वाले हैं कमिंग इनटू द पिट्सबर्ग प्रो, पर फिफ्थ प्लेसिंग ये लेकर आए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल भी बुरी प्लेस नहीं है, फिफ्थ बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द शो भाई बिल्कुल भी बुरी प्लेस नहीं होती है, और फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आ गए थे। और वहां पे जो प्री जजिंग के दौरान ही दोस्तों पता लग गया था, जब जजेस ने इनको कुछ ही टाइम के बाद जो है साइड पे कर दिया था बिलाल अली को, और डेड सेंटर पे कोरी मॉरिस, रायन टेरी और बेनक्विल थे, तो वहीं से पता लग गया था कि बिलाल अली जो है फिफ्थ प्लेसिंग के आसपास ही आएंगे। और फाइनल्स पे जो रिजल्ट आया वो तो आप लोग देख ही सकते हो कि इनको फिफ्थ प्लेसिंग मिली है। रिएक्शन के बारे में बात करूं तो बिलाल अली अपना रिएक्शन भी हम लोग को देते हैं इंस्टाग्राम पे, और थैंक्स करते हैं अपने फैंस को और अपने सपोर्ट को, और अपने कोच को भी थैंक्स बोलते हैं। एंड उसके बाद हम लोग को लिखकर बताते हैं कि थिंग्स डिडंट वेंट क्वाइट एज प्लान्ड,
और अपने थैंक्स करते अपने कोच एंड स्पॉन्सर्स को। तो अभी काफ़ी सारे शोज प्लान्ड है बिलाल अली की इस साल, और 2023 की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी रफ रही है और थोड़ी स्लो रही है, लेकिन अभी आगे भी काफ़ी सारे शोज होने वाले हैं इंक्लूडिंग डेली प्रो शो। तो बहुत सारे शोज है जिसमें कि बिलाल अली बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, और हार जीत देखो लगी रहती कॉम्पिटिशन के अंदर। और बॉडी बिल्डर के बारे में ऐसा नहीं कि अगर फिफ्थ प्लेसिंग इस शो के अंदर आई है तो अगला शो खराब जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि बिलाल अली नेक्स्ट शो के अंदर और बढ़िया इंप्रूवमेंट्स लेकर आएंगे और जीत भी सकते हैं नेक्स्ट वाला शो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये थे कुछ रिजल्ट्स मेंस फिजिक डिवीजन के, और इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा क्लासिक फिजिक के बारे में, जिसके अंदर की माइकल डबोल जीत चुके हैं, और मेन थिंग्स के बारे में बात करूं तो वो थी इंप्रूवमेंट्स। लास्ट शो के बारे में बात करूं जो उन्होंने ओलंपिया के अंदर कंप्लीट करा था, आप लोग देख सकते हो भाई इस फोटो के अंदर की जो लैट्स थे वहाँ से कितना ज़्यादा वाइड नज़र आ रहे थे, आर्म्स हो गए लेग्स हो गए, वहाँ से इन्होंने साइज इंक्रीज़ करा हुआ नोटिस हो रहा है, डिफरेंस नज़र आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशनिंग थी या फिर ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग भी हो सकती है। तो भाई ये तो विनिंग फॉर्मूला ही है, और माइकल डबोल को मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा क्लासिक फिजिक के लिए, और वो क्वालिफाई कर चुकी है मिस्टर ओलंपिया के लिए। नेक्स्ट बड़ी अपडेट पर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग इस वीडियो के स्पॉन्सर डिवाइन न्यूट्रिशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। एंड डिवाइन न्यूट्रिशन इंडिया का फर्स्ट मल्टीनेशनल ब्रांड जो कि यूएसए के अंदर सप्लीमेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है। दोस्तों मैं इनका लेकर आ चुका हूँ लाइफ वे, जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग जिम वगैरह जाते तो आप लोगों को हेल्प करेगा मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ में, इंक्लूडिंग अगर आप लोगों की अच्छी डाइट होगी तो। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा divinenutrition.in, वहां पर जाके आप लोग चेकआउट के दौरान आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो जो कि है BI5, जिससे कि आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और काफी अमेजिंग फ्लेवर्स के अंदर आता है लाइफ वे, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड आप लोग क्वालिटी सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्ट करो, एंड क्वालिटी सप्लीमेंट्स बनाता है डिवाइन न्यूट्रिशन। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। अब दोस्तों हम लोग फाइनली बात करते हैं पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग के बारे में, जो कि मैं जानता हूँ भाई आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी दे रहे थे कि भाई पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग की वीडियो डालो। तो भाई काफी अवेटेड शो था, जिम मैनियन का शो है, तो भाई ऑब्वियसली बहुत ही बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ने आना था गेस्ट पोजिंग करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हादी चुपैन जो कि हमारे करंट ओलंपिया चैंपियन है, वो इस गेस्ट पोजिंग के अंदर नहीं आए थे, और प्लान्ड भी नहीं था उनका आना, बिकॉज उनको वीजा इश्यूज होते हैं ईरान से यूएस आने में। तो ये कुछ सीन था हादी चुपैन का। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं गेस्ट पोजिंग के बारे में भाई, और एक एक करके बॉडी बिल्डर सबसे पहले आते हैं अपनी इंडिविजुअल गेस्ट पोजिंग करने के लिए, मतलब पहले इंडिविजुअल राउंड होता है, तो इंडिविजुअल पोजिंग करने के लिए आते हैं शॉन क्लरिडा आते हैं, हंटर लब्राडा आते हैं, फिर आते हैं बिग रैमी, उसके बाद आते हैं सैमसन दाउदा, फिर आते निक वॉकर, डेरिक लंसफर्ड, और एक और बॉडी बिल्डर आते जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और इनका नाम था माइक कुलूसी, और इनका जो है प्रो डेब्यू भी होने वाला है न्यूयॉर्क प्रो में। तो आप लोग कह सकते हो कि अब तो वैसे भी काफी खास बॉडी बिल्डर्स को इंक्लूड करते हैं गेस्ट पोजिंग के अंदर, जो भी IBB प्रो वाले हैं। इंडिविजुअल गेस्ट पोजिंग के बारे में बात करूं तो वहां पर गेस्ट पोजिंग करने के बाद कंपैरिजन राउंड्स होते हैं, जो कि वैसे होता नहीं है, यूजुअली कंपैरिजन राउंड्स नहीं होता, सीधा पोज डाउन ये लोग करवा देते हैं। तो इसके अंदर जो है कंपैरिजन राउंड्स में इनसे सारे पोजेस करवाए गए, फ्रंट डबल बाइसेप्स से लेकर साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप्स, और सारे पोजेस करवाए गए। लेकिन बिगेस्ट टेक अवे इसके बारे में बात करूं, यानी कि इस पोजिंग के हाइलाइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बिग रैमी के बारे में सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं। बिग रैमी लास्ट ईयर नहीं आए थे और काफी ज्यादा इनको बैकलैश मिला था, मतलब ये लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया थे, मतलब जो हमारा 2021 का था, उसके बाद 2022 में इनको जो है गेस्ट पोजिंग करने के लिए बुलाया गया था, पर बिग रैमी किसी कारण की वजह से नहीं आ पाए थे। इस साल वो आते गेस्ट पोजिंग करने के लिए, एंड गाइज फिजिक जो है बिग रैमी की वो पहली जैसी नहीं रही है। आज से अगर मैं 5-6 साल पहले के बारे में बात करूं तो बिग रैमी की जो फिजिक थी, अगर आप लोग अब उससे कंपेयर करोगे तो वो वाली फिजिक नहीं रही है बिग रैमी की। ट्राइसेप्स के बारे में बात करूं तो अभी भी वहां पे मेरे को इश्यूज नजर आ रहे थे, वो ठीक से फ्लेक्स नहीं कर पा रहे थे, ऑब्वियसली उनका साइज बहुत ही ज्यादा है, बट फिर भी मेरे को ट्राइसेप्स में जो है इशूज नजर आ रहे थे। बैक के बारे में बात करूं तो वहीं पर बिग रैमी की जो बैक थी वो पहली जैसी नहीं रही है, वहां पर जो उनकी जो लोअर बैक एकदम आप लोगों को पता है कि एकदम से गायब हो चुकी है। तो एजिंग जो है ना वो बॉडी बिल्डर्स का सबसे बड़ा दुश्मन होती है, और वही चीज हम लोगों को बिग रैमी की फिजिक में इस टाइम पे देखने को मिल रही है। बट स्टिल बिग रैमी पॉजिटिव नजर आ रहे थे, और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी बिग रैमी को देख के, और काफी ज्यादा ह्यूज नजर आ रहे थे। और इस साल हम लोगों को इंटरव्यू में भी बताते हैं, मतलब जब बॉब चिक बिग रैमी से सवाल पूछते हैं कि इस बारी वो कैसा करने वाले इस बारी मिस्टर ओलंपिया के अंदर, तो वो कहते हैं कि इस बारी कोशिश करेंगे अपना बेस्ट वर्जन लाने की और ओलंपिया जीतने की। मतलब ऐसा तो नहीं कहते वो, लेकिन आप लोग समझ ही सकते हो कि बिग रैमी का कहने का क्या मतलब था। नेक्स्ट चीज दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि बिग रैमी सब लोगों को आउटसाइज कर रहे थे साइज के मामले में। अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, सैमसन दाउदा भी 300 पाउंड्स के और बिग रैमी भी 300 पाउंड्स के ऊपर के हैं, लेकिन बिग रैमी ज्यादा वाइड नजर आ रहे थे, ज्यादा बड़े नजर आ रहे थे सैमसन दाउदा से कई गुना ज्यादा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के बारे में बात करूं तो निक वॉकर आते हैं भाई स्टेज के ऊपर, और काफी उनको क्रेजी रिएक्शन मिलता है क्राउड की तरफ से, मतलब क्राउड उनको देख के एकदम से पागल सा हो जाता है, और काफी अच्छी चीयर्स मिल रही थी निक वॉकर को। एंड आई डोंट नो गाइस, आप लोगों को लगता है या फिर ये चीज नहीं लगती है, बट निक वॉकर के जो लेग्स थे पहले से मेरे को थोड़े से छोटे नजर आ रहे थे। आई डोंट नो कि उनकी अपर बॉडी इतना ज्यादा ह्यूज हो चुकी है कि जिस कारण से उनकी लेग्स मेरे को छोटी नजर आ रही थी, बट नो डाउट जो निक वॉकर की अपर बॉडी वो तो ऑब्वियसली यार वो तो फ्रीकी नजर आती है स्टेज के ऊपर। और उसके बाद सवाल भी उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू में निक वॉकर से कि क्या वो इस साल को ओलंपिया जीत सकते हैं, जिसका कि वो जवाब देते हैं कि मेरा पहले ओलंपिया में मैं फिफ्थ प्लेसिंग लेकर आया था,
सेकंड ओलंपिया में मैं थर्ड प्लेसिंग लेकर आया था। तो थर्ड ओलंपिया इज द चार्म, और इसका मतलब वो ये है कि भाई वो जीतना चाहते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा, और बताते हैं कि इस साल का जो थर्ड ओलंपिया उनका होने वाला है वो उनके लिए लकी होने वाला है और वो जीत सकते हैं। मतलब ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस हम लोगों को देखकर बताते हैं भाई। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं डेरिक लंसफोर्ड, और डेरिक लंसफोर्ड के बारे में क्या ही बात करूं भाई, मजा आ गया उनकी फिजिक को देखकर। लास्ट ईयर पिट्सबर्ग प्रो में वो सरप्राइज, उनकी जो एंट्री थी वो सरप्राइजिंग थी, और इस साल भी भाई उन्होंने हम लोगों को सरप्राइज कर दिया। डेरिक लंसफोर्ड की जो लेग्स थी काफी ज्यादा वेल सेपरेटेड नजर आ रही थी, एंड ऑब्वियसली गाइस ही इज द सेकंड बेस्ट बॉडी बिल्डर जस्ट बिहाइंड हादी चुपैन, तो अपने उनको तो बेस्ट वर्जन लेकर आना ही था इस ऑफ सीजन में। और उसके बाद डेरिक लंसफोर्ड से इंटरव्यू में भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, जिसका कि अभी मेरे को याद तो नहीं क्या सवाल पूछे जाते हैं, बट डेरिक लंसफोर्ड का जो कमेंट था वो ये बताते हैं इंटरव्यू में, मतलब हनी रैम्बोर्ड को सबसे पहले भाई वो थैंक्स बोलते हैं और अपने कोच की तारीफ करते हुए थकते नहीं है। वो कहते हैं भाई जो भी मैं आज हूँ हनी रैम्बोर्ड की वजह से हूँ, और हनी रैम्बोर्ड 22 टाइम विनिंग ओलंपिया कोच है, और रिस्पेक्ट शो करते हैं डेरिक लंसफोर्ड हनी रैम्बोर्ड के लिए, और कहते हैं उनका कोई भी मतलब नहीं था कि वो मेरे को एज अ स्टूडेंट हायर करें, मतलब मेरे को अपनी गाइडेंस दें, बट फिर भी उन्होंने मेरे को जो है एज अ स्टूडेंट गाइडेंस दी है। तो वो हनी रैम्बोर्ड को थैंक्स बोलते हैं और अपनी वाइफ अपनी गर्लफ्रेंड को थैंक्स बोलते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके बाद जायंट किलर शॉन क्लीडा के बारे में बात करूं, तो बहुत ही बढ़िया वो नजर आ रहे थे भाई। साइज में छोटे हैं वो, लेकिन भाई वो बिल्कुल भी इस गेस्ट पोजिंग के अंदर कम नहीं नजर आ रहे थे। बाकी अगर मैं सैमसन दाऊदा के बारे में बात करूं, करंट आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन के बारे में, तो भाई वो भी बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे थे। नो कंप्लेंट्स, ऑफ सीजन की फिजिक है, बाकी एस्थेटिक फिजिक लग रही थी उनकी, और ह्यूज भी लग रहे थे भाई। तो ये कुछ उनकी तरफ से अपडेट आती है, मतलब ये पूरी कुछ गेस्ट पोजिंग की अपडेट आती है। तो बाकी आप लोग मेरे को यार कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा बॉडी बिल्डर सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा था इस ऑफ सीजन के अंदर जो गेस्ट पोजिंग हुई थी पिट्सबर्ग प्रो की, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन सारे बॉडी बिल्डर्स की गेस्ट पोजिंग करने से पहले सीबम भी आते हैं, और लास्ट ईयर भी सीबम आए थे, फैंस वगैरह से बात करने के लिए आते सिर्फ, मतलब गेस्ट पोजिंग करने के लिए नहीं आते। और इमेजिन ही कर सकते हो कि अगर सीबम अगर गलती से गेस्ट पोजिंग करते थे पिट्सबर्ग प्रो के अंदर, तो भाई मज़ा आ ही जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये कुछ अपडेट आ रही थी सीबम की तरफ से भी। और लास्ट के अंदर दोस्तों हम लोग अपनी फाइनल अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माइकल क्रिजो की तरफ से अपडेट तो आ रही है, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि माइकल क्रिजो या फिर एंड्रयू जैक्ड भी आएंगे इस गेस्ट पोजिंग के अंदर, बट ऐसा हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी दोस्तों माइकल क्रिजो अपनी फिजिक अपडेट हमको विया इंस्टाग्राम शेयर कर देते हैं। एंड होली शिट गाइस, आई मीन क्या कर रहे हैं माइकल क्रिजो भाई, ही इज़ ऑन अनदर लेवल। अगर आपको निक वॉकर अगर फ्री की नजर आते हैं, तो भाई माइकल क्रिजो किसी से भी कम नहीं है। मतलब इन्होंने ऐसा फ्लेक्स करा है इस अपडेट के अंदर, जो पीछे इनकी लाइट थी वो भी बंद हो चुकी है। और मजाक से हटकर अगर मैं बात करूं, तो माइकल क्रिजो भाई पूरे गूगल मैप वाले जो है नजर आ रहे, पूरा गूगल मैप इनके शरीर पर बना हुआ है। एंड आई कांट वेट कि माइकल क्रिजो इस साल कैसा पैकेज लेकर आते हैं इस साल ओलंपिया के अंदर, और इनका असली जो वर्जन हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड आई स्टिल वॉन्टेड कि भाई माइकल क्रिजो आएंगे गेस्ट पोजिंग करने के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा था कि माइकल क्रिजो या फिर एंड्रयू जैक्ड आएंगे, बट कोई बात नहीं, अगर उनको बुला लेते तो वो मना नहीं करते। तो ये थी कुछ अपडेट्स पिट्सबर्ग प्रो की तरफ से। और दोस्तों के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।